जब भी मैं बोर्ड स्टार्ट करते हुए पीछे बैकग्राउंड साउंड स्टार्ट हो ही जाता है मतलब ये क्या बोलूँ मैं आप पता है सबसे ज़्यादा शौक की बात ये कि जब मैं मीशो पे शूज़ ऑर्डर कर रही थी मुझे ये वाले लोफर दिखे एंड तुम देखो बर्ड ने भी हद्दी मचा रखी है यार मतलब आज बैकग्राउंड में मशीन नहीं चल रही है तो बर्ड भी मेरा

तो ये शायद फ़र्स्ट वीडियो है जब मैं मीशो के शूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही वो भी ह्यूज वो भी ह्यूज एंड ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है वो इसलिए बिकॉज इस वीडियो में मैं जितने भी फुटवेयर आपको दिखाऊंगी वो सब पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड है एंड मैंने सर्च किया था पिंटरेस्ट पे कि लेटेस्ट ट्रेंडी शूज़ कौन सी वही सर्च करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और हो सकता है तो मैं प्रिंटरेस्ट इंस्पायर्ड की साइड में फोटो लगा दूँगा इन मीशो की भी लगा दूँगी जिस पर प्राइज मैंशन है एंड मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा फुटवेयर का साइज़ है वो ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है उसके अकॉर्डिंग मैंने मीशो से सारे फुटवेयर के साइज़ जो है आई एंड डी फाइव ऑर्डर किया है आई एंड डी फाइव ऑर्डर किया है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सारे ही शूज़ की जो साइज़ है वो परफेक्ट फिट हुई है सो so, होपफुली अगर आप मीशो से ऑर्डर करते हो करते हो या फ्यूचर में करोगे तो आपको फुटवेयर का साइज़ जो है अपनी सेंटीमीटर में प्रेजर करना है देन अगर आप मेरे सिमिलर फ़ुटवेयर साइज़ की हो तो आप जो है आई फाइव ऑर्डर कर सकते हो उसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो आप एक साइज़ कम या एक साइज़ ज़्यादा ऑर्डर कर सकते फुटवेयर <laughs> मेजर फुट फुटवेयर मेजरमेंट की टिप एंड अब विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट कर लेते नहीं बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मैं ना ट्राई ऑन इससे पहले कर चुकी हूँ सो so, बिकॉज मेरे वो नहीं है कि यार इतना पेशेंस नहीं है मुझ में कि पार्सल आया मैं वेट करूँ आप लोगों के सामने खोलूँ मैंने जैसे पार्सल आया मैंने साइज़ चेक करना था कि करेक्ट आया कि नहीं आया बिकॉज मैंने सुना है कि मीशो के साइजेस परफेक्ट नहीं आते सो so, मैंने फटाफट से ओपन करके अपने साइज़ चेक करिए तो मैं सबके ट्राई ऑन कर चुकी हूँ मैं आई थिंक मैं स्टार्टेड दस बजे से वीडियो शूट कर रही हूँ और अब भी जो है डेढ़ है तो मैं ऑलरेडी चीज गई हूँ बट स्टिल मैं ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ तो विदाउट एनी फर्दर डिलेट गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले तो सबसे पहले मैं अपने फेवरेट फुटवेयर से स्टार्ट करती हूँ जो कि एक नोफर है एक्चुअली इस लोफर की एक स्टोरी है मैं आपको बता दूँ इस टाइप के नोफर जो है ना आपको एच एन एम पे मिलेंगे टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड के विच इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव सो so, ये वाले लोफर ना मुझे चाहिए थे बट एच एन एम पे बहुत एक्सपेंसिव थे और मुझे लग रहा था कि मैं इतने नहीं पहनूंगी तो मैंने स्पेंड नहीं किया था फिर इसी की फ्लैट में विदाउट हील वाले मैंने आज ही उसे ऑर्डर किए थे ऑलमोस्ट फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ के मैं उससे फुल सेटिस्फाइड नहीं थी बिकॉज मुझे हील वाले चाहिए थे बट मैंने सोचा मैं काम चला लूँगी फ़िफ्टीन हंड्रेड के तो एंड उसके बाद मैंने जूड़ियों पे भी सेम लोफर देखी बट उसमें शाइन नहीं थी जैसे कि एच एस एम के लोफर्स के अंदर होती है वो वही छोड़ दिया था कि नहीं ठीक है मुझे नहीं लेना जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं एच एन एम के ऑर्डर करूंगी एंड पता है सबसे ज़्यादा शौक की बात यह कि जब मैं मीशो पे शूज़ ऑर्डर रही थी मुझे ये वाले लोफर दिखे एंड इसमें सेम शाइन थी जैसे कि एच एन एम के लोफर्स के अंदर है सेम हीर थी सब कुछ सेम था और कन्फ्यूज़न ये था कि मैं साइज़ के ऑर्डर करूँ पे तो वहाँ पर कोई भी साइज़ चार्ट जो है परफेक्ट मैच नहीं था मैंने तुक्के सिर्फ आई एंड डी फाइव ऑर्डर कर लिया एंड नके मुझे इतना अच्छे से फिट हो गया एंड मैं आपको ना जूम करके दिखाती हूँ देखो एकदम अचानक वाली शाइन है पील भी बिल्कुल वैसी है और पहनने में इतने ज़्यादा कम्फर्टेबल है इतने ज़्यादा कम्फर्टेबल है आपको तो बिल्कुल लोकल लोफर की फ़ील नहीं आएगी एंड प्राइस जस्ट फाइव हंड्रेड थर्टी थ्री रूपीज़ यार मतलब मज़े ही आ गए मुझे कि यार इतने कम बजट में इतने कम्फर्टेबल एंड इतने अच्छे लोफर्स मुझे मिल गए मतलब मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश हो गया कि मतलब और क्या बोलूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए ब्रांड मैटर नहीं करता है बिकॉज मुझे पता है मैं कोई भी चीज़ ना दो से तीन या पाँच से दस बार नहीं पहनती हूँ और ऐसा नहीं कि मैं तो उसको घिस घिस के पहनती हूँ देखिए मैं कोई भी प्रोडक्ट नौ से दस बार या ऐसा नहीं उसको लाइफ लॉन्ग तक चला के घिस घिस के करती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे लिए ब्रांड मैटर नहीं करता है मेरे लिए जो भी आउटफिट हो चाहे फुटवेयर हो जो मुझे परफेक्टली फिट हो जो मेरा आउटफिट को एक एस्थेटिक लुक दे दे मेरे लिए वो बेस्ट होता है तो मेरे लिए ब्रांड मैटर नहीं करता है क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एटलीस्ट मैं फाइव टू सिक्स टाइम में टाइम्स पहन सकूँ उसको दैट्स इट बिकॉज आपको खुद को पता है कि हर लड़कियों के पास ना फुटवेयर कपड़ों की कमी नहीं होती उनको चेंज कर कर के पहनने की आदत होती है तो ये मैं एच एम एम की ड्यूब एंड मुझे बहुत पसंद आए हाई मी हाईली रिकमेंड करती हूँ आउट ऑफ स्टॉक उससे पहले लेना ले लेना अगर आप एक अच्छे नासन ऑफर सर्च कर रहे हो तो एंड ये विंटर्स एंड समर दोनों में भी दोनों में परफेक्ट ही आपके आउटफिट को बहुत अच्छा लुक देते हैं तो डेफ़िनेटली चेकआउट कर लेना पर्सनल फेवरेट कॉन्वर्स जो कि मुझे बहुत टाइम से चाहिए थे एक्चुअली मैं जब ट्रिप पे जा रही थी मॉल के लिए तब भी मुझे कॉन्वर्स चाहिए थे बट आ, मैं मिंत्रा एंड एजियो पे चेक कर रही थी वन थाउजेंड अप्रॉक्स के तो मैंने सोचा है आप क्यों यार इतने फुटवेयर ऑलरेडी हैं क्यों मनी वेस्ट करना बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत सारे आउटफिट खरीद चुकी थी uh, कॉन्वर्स है वो प्रिंट्रेस इंस्पायर्ड है आपको प्रिंट्रेस पे बहुत सारे ऐसे ट्रेंडी कॉन्वर्स दिख जाएंगे सो so, इसका प्राइस फाइव हंड्रेड एट रुपीज़ है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है एंड इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में जो थ्रेड है जो लेसिस है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोकल प्रोडक्ट बिक रहे हैं चीप प्रोडक्ट बिक रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मतलब इसको देख के कोई बोल ही सकता है कि ब्रांडेड कॉन्वर्स नहीं है बहुत अच्छे कॉन्वर्स है एंड मैं आपको हाई रिकमेंड करूँगी बिकॉज इसका जो हील वाला जो पैटर्न है और फिर ऊपर से जो कॉन्वर्स पैटर्न दिया हुआ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे एंड फाइव जीरो एट रुपीज़ इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने वन थाउजेंड रुपीज़ के कॉन्वर्स देखे थे उनका भी कोई हाई फाई ब्रांड नहीं था नॉर्मल लोकल ब्रांड थे बट प्राइस बहुत ज़्यादा था बट ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल एंड बहुत कम्फर्टेबल है Again, इसमें काफी ज्यादा मीशो पे देखे थे बट मुझे इसकी को हमेशा डाउट रहता था बट ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आए हैं मतलब इसका जो हील है ना वो भी इतना सॉफ्ट है और मतलब आपको ट्राईवॉन में सब कुछ पता चल ही रहा होगा कि मैं कैसे कूद की आपको बता रही हूँ कि कितने कम्फर्टेबल है इसका हील बहुत सॉफ्ट है बहुत सॉफ्ट है एंड ये जो आ, 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 कलर दिया हुआ है बेबी पिंक कलर वो भी बहुत अच्छा है एंड लेसिस की क्वालिटी अंदर से जो सोल दिया हुआ है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है मतलब परफेक्ट है यार कैज आउटफिट के भी डेफिनेटली यू कैन चेक आउट विंटर हो चाहे समर कॉन्वर्स तो हमेशा ट्रेंड में रहते हैं काफ़ी सालों से मैं कॉलेज टाइम से ही कॉन्वर्स सुनती आ रही हूँ देखती आ रही हूँ यार बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ये साढ़े पाँच सौ रुपये भी पूरे नहीं है फाइव हंड्रेड थर्टी रुपीज़ में इतने अच्छे जूते आपको मिल गए हैं एंड अगेन साइज फाइव आई एम डी फाइव है बहुत अच्छे से फिट हुआ है मुझे ब्लैक शूज एक्चुअली है ना ब्लैक शूज अभी इतने ज़्यादा ट्रेंड में हैं अगर आप जिम जाते हो या वर्कआउट करते हो या फिर आप नॉर्मल कैजुअल शूज़ भी पहना चाहते हो कि वेस्टर्न आउटफिट के साथ में स्कर्ट के साथ में ड्रेस के साथ में तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगते हैं ऐसा नहीं है कि ब्लैक शूज़ है तो नहीं पहनने चाहिए बहुत ज़्यादा प्लेन ब्लैक की बात कर रही हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में अभी आप प्रिट्रेस वगैरह पे देखोगी तो और ये शूज़ इतने ज़्यादा कम्फर्टेबल है कि लाइक मैं जो अभी फ्यू हुआ मॉर्निंग में वर्कआउट करती हूँ ट्रस्ट मी उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट मुझे लगे पहनने में एंड प्राइस जस्ट फोर हंड्रेड टू रुपीज़ ओ माई गॉड मतलब मुझे इसका प्राइस सुन के इतना ज़्यादा शॉक लग रहा है कि इतने ज़्यादा कंफर्टेबल कोई ब्रांड नहीं है इस पर निकाओ फुटॉक्स सो so, मीशो पे आपको कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे बहुत कम आपको ब्रांडेड मिलेंगे लोकल ब्रांड ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी बट या मैं बोलूँगी यार अगर आप सरोजनी नहीं जा सकते और आपको ट्रेंडी मिनटरेस इंस्पायर्ड चाहिए तो यार मीशो बेस्ट है सच में बेस्ट है तो ये आप इसके ऊपर से देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ में इसकी लेसेज वगैरह दी हुई है एंड और जो पीछे से सोल है वो भी बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल है और यहाँ पे जो कुशन ना गाइज वो भी बहुत ही अच्छा है बाकी डिटेल आप ट्राई हो देखे समझ ही जाओगी भी यार कितने अच्छे कंफर्टेबल एंड हाईली हाईली रेकमेंड शूज़ है अगर आपको ब्लैक शूज़ चाहिए और ज़्यादा मनी आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो गो को बी गाइज़ वेरी वेरी नेक्स्ट जो कि है स्पोर्ट्स शूज और ने एंड ये मैंने लिया है ग्रीन कलर में नॉट एग्जैक्ट डार्क ग्रीन कलर बट थोड़ा सा लाइट बट ये ग्रीन कलर ने लिया क्वालिटी की बात करूँ तो काफी अच्छी क्वालिटी है सोल की एंड मेसेस की सब की फिनिशिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है बट जैसे कि ब्लैक वाले का सोल जितना सॉफ्ट था रहा मैंने बोला कि प्यवा जैसी फील आ रही है उतने सॉफ्ट नहीं है बट ही कंफर्टेबल बहुत ही ज़्यादा है एंड फीचर्स से भी आप इनकी फ़िनिशिंग एंड शोर वगैरह देख सकते हो बहुत अच्छी गुड क्वालिटी है और इस टाइप के ना आप ब्रांडेड बहुत ही हाई फाई ब्रांड के देखोगे आप तो आपको फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड के देखोगे और ये इस आ, ये शूज़ मैंने वैसे मेरे मैं को ग्रीन कलर के शूज़ पहनने का कोई शौक नहीं है मैं बहुत ही सिंपल है तो ब्लैक वाइट या ज़्यादा से कॉन्वर्स पहने होंगी बट मैंने पिंटरेस्ट पे देखा ना कि इस टाइप की कलरफुल शूज़ है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में इसलिए मैंने ऑर्डर किए थे एंड इसका प्राइस जो है वो फाइव फिफ्टी रुपीज़ है साढ़े पाँच सौ रुपए की शूज़ हैं बट आप इनको पहन के वर्कआउट कर सकते हो रनिंग कर सकते हो एंड ये आपकी रनिंग एंड वर्कआउट के हिसाब से आराम से एक साल चल जाएंगे और ओकेजनली पहनती हूँ कभी कभी कारण से आपसे आपकी दो से तीन साल चल जाएंगे एज़ पर माई एक्सपीरियंस बोल रही हूँ बिकॉज मेरे भी एक ऐसे नोकन फुटवेयर है जिनको पहन वो कभी कभी पहनती हूँ दो से तीन साल हो गए मैं सारे ही वीडियोज़ में बाहर भी पहन जाती हूँ उन्हीं को भी पहनती हूँ सो ये दीज आर वेरी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइस अकॉर्डिंग टू कम्फर्टेबिलिटी सो आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ अगर आपको इस टाइप के रंगीन हेलो सिर्फ शूज़ चाहिए अपने आउटफिट के हिसाब से तो डेफिनेटली प्रेफर दिस वो दैक्सट सीकर जो कि ये है पर्पल ब्लू एंड इस टाइप की फुटवेयर इस टाइप के शूज़ आपको पिटरेस्ट पर भर भर के मिलेंगे एंड इसमें ना एंकल वाले भी आते हाई ही हाई एंकल वाले वो एक्चुअली मुझे चाहिए थे बट मीशो पे बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक थे तो मुझे नहीं मिले तो मैंने विदाउट एंकल वाले ही ले लिए नॉर्मल जो शूज़ का साइज़ होता है वही मैंने लिए एंड इसका प्राइस है फाइव फिफ्टी रुपीज़ इसमें मैंने साइज़ आई नी फाइव ऑटो किया है बहुत ही अच्छे से फिट हुआ है एंड इसका जो कलर है ना कलर कॉम्बिनेशन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है परफेक्ट फॉर कैजुअल लुक परफेक्ट फॉर पार्टी लुक और आप एयरपोर्ट लुक भी क्रिएट कर जाते हो तो भी आप इससे आसानी से क्रिएट कर सकते हो आपको कोई ब्रांडेड फुटवेयर पे पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है साढ़े पाँच सौ रुपये के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंफर्टेबल एंड गुड लुकिंग शूज़ है आई इंट इंटरेस्ट इंस्पायर्ड है गए जितने भी आपको फुटवेयर दिखाए ना जैसे इमेज में थे ही मुझे रिसीव हुए और उनमें कुछ भी डिफरेंस मुझे नहीं मिला है सो ये एग्जैक्ट सिमिलर है और बहुत लोगों को डाउट आता है कि यार मीशो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ पी है या मीशो जो है वो हल्की क्वालिटी का देता है ये इमेज में दिखाता है वो नहीं देता तो ऐसा कभी कभी होता है मैं आपको तो हमेशा बोलती हूँ कि मीशो की रेटिंग चेक करके फिर ही आप प्रोडक्ट ऑर्डर करें ताकि आपको पो कोई आगे सफ़र ना करना कि हमें प्रोडक्ट सही डिलीवर नहीं हुआ वैसे आपको सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जिस लिंक से मैंने बाय किए हैं तो मीशो की आपको कोई भी प्रोडक्ट गलत नहीं रिसीव होगा अगर आप किसी अदर कोड को यूज़ करके अदर लिंक पे जाके अगर आप परचेस कर सकते हो तो, तो उसकी गारंटी मैं नहीं देती हूँ अदरवाइज़ मेरे लिंक से अगर आप शॉप करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी खास से प्रोडक्ट मिल जाएंगे जैसे कि मुझे रिसीव हुए हैं सो so, ये भी मैं आपको हाई रेरी रिकमेंड करती हूँ गेज कॉन्वर्स जो कि अगेन फील मतलब जो कि हाँ जो कि है हाई एंकन वाले एंड इसका प्राइस जो फोन हंड्रेड थर्टी फोर रुपीज़ चार सौ चौंतीस रुपये चार सौ चौंतीस रुपये की भी कॉन्वर्स है एंड्रॉसमी गाइड की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि अगर आप दूसरी वेबसाइट पे चेक करोगे ना डेफिनेटली वन थाउजेंड ट्वेल्व हंड्रेड के अप्रॉक्स आपको मिलेंगे प्रॉपर इसका जो क्लोथ है ना कॉन्वर्स में यूज़ किया गया है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है प्लस इसका सोल जो है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है परफेक्ट फॉर कैश वन लुक पार्टी लुक किधर भी यूज़ करो यार साल भर इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला इतनी अच्छी क्वालिटी मुझे लग रही है मैं बहुत पहले से कॉन्वर्स पहन रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे एक्सपीरियंस है कि यार ये शूज़ है ना एक साल तक तो खराब नहीं होने वाले तो चार सौ चौंतीस रुपये में यार बहुत ही अच्छा गुड इन्वेस्टमेंट है अगर आपको एक बजट रेंज के अच्छी ट्रेडिंग कॉन् कॉन्वर्स चाहिए तो डेफिनेटली चेक आट यार बहुत अच्छे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इसमें भी मैंने साइज जो ऑर्डर किया वो आई आई डी फाइव ऑर्डर किया है शूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही वो बहुत ही अच्छे एंकल हीट वाले शूज़ हैं एक्चुअली जो पहले मैंने इस सेट की थ्री कलर में दिखाए थे उनमें एंकल नहीं था बट ये मुझे लाइट कलर में एंकल का मिला तो ये मैं आप लोगों तो के साथ शेयर करना चाहूँ प्राइस जस्ट फाइव हंड्रेड थर्टी वन रुपीज़ सो अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ही ज़्यादा बजट रेंज के हैं प्लस बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है आप इनके एवरी डे में भी पहनते हो ना तो भी ये आपके एक साथ आसानी से चल जाएंगे बिकॉज ये कम्फर्टेबल बहुत ज़्यादा है एंड लुकिंग भी बहुत अच्छी है और इसकी जो फिनिशिंग है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा सही लगी है मुझे जो स्टिचिंग है शूज़ की वो भी बहुत अच्छी लगी है मुझे लेसिस की क्वालिटी फ्रंट लुप बैक लुप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड बेस्ट पार्ट ये कि फाइव हंड्रेड थर्टी वन रुपीज़ इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो एंड आप एक अच्छी खासी कैज ट्रेंडी फुटवेयर या शूज़ देख रहे हो तो डेफिनेटली इन चेकआउट बी शूज़ फ्रॉम मीशो हाईली हाईली रिकमेंडेड है एंड इसमें अगर आपको डार्क कलर मिल जाता है तो वो भी आप लेस अदरवाइज लाइट कलर में काफ़ी ज़्यादा ट्यूब लग रहा है सो so, ये Pinterest इंस्पायर्ड है इसको भी मैंने प्रिंट्रेस पे देखा था नॉट एग्जैक्ट सेम बट इससे मिलता जुलता ही मैंने देखा था तभी मैंने मीशो से ऑर्डर करे थे सो हाई एनी रिकमेंडेड दिस इज़ ऑन अबाउट माई मीशो फुटवेयर मीशो फुटवेयर मीशो शूज हॉल होप फुली दिस वीडियो विल हेल्प यू आपको एक इन्फॉर्मेशन अगेन देना चाहूँगी सारे फुटवेयर का साइज आई एंड डी फाइव है सारे प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर आप मेरे ही लिंक से शॉप करते हो तो आपको प्रोडक्ट सही रिसीव होगा अगर आप अदर लिंक और अदर कोड से शॉप करते हो तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकती हो सकता है कभी कभी सेलर चेंज होता है तो आपको गलत प्रोडक्ट रिसीव हो जाए बट नो नो वरीज गाइज शो पर रिटर्न पॉलिसी है सेवन डेज के अंदर तो आप रिटर्न ईजीली करवा सकते हो सो so, फिलहाल के लिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना डू लाइक वन इन द गंग सेक्शन बिच वन योर फेवरेट शूज गाइज एंड विल टी अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू गाइज बाय बाय लव यू ऑल